आखिर क्यों कर रही है ममता राजीव शुक्ला का बचाव? क्या चोर की दाढ़ी में है तिनका? कुणाल घोष की कही गई बातों में आखिर कितनी सच्चाई है? इस बड़े खुलासे के साथ हम लाए हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। देश में राफेल पर जहां मोदी सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है, वहीं अब शारदा चिट फंड मामले को लेकर ममता को आड़े हाथ लिया जा रहा है। कोलकाता में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच TMC कार्यकर्ताओं ने कोहराम मचा रखा है। बता दें कि HCN को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिसकी जानकारी शायद किसी को ना हो। ममता का बड़ा सच बेपर्दा हो जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, TMC से निलंबित हुए सांसद का बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ किया कि शारदा घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर का ही हाथ है। CBI और पुलिस का मामला दिन पर दिन झोल में पड़ता नजर आ रहा है। कोलकाता पुलिस के प्रमुख राजीव कुमार से शारदा चिटफंड घोटाले में CBI ने पूछताछ करने की कोशिश की, जिसके बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया। राज्य समेत पूरे देश का ध्यान एक बार फिर से शारदा चिटफंड की ओर खींचा है। साल 2013 में ये चर्चित घोटाला सामने आया था। इस घोटाले में शामिल होने का आरोप प्रदेश की मौजूदा सरकार TMC के नेताओं पर भी लगे। दरअसल बता दें कि TMC के पूर्व सांसद और घोटाले में शामिल होने का आरोप झेल रहे कुणाल घोष ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। आपको बता दें कि TMC के पहले सांसद रह चुके घोष को घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरी तरफ BJP नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है, मौजूदा परिस्थिति साबित करती है कि पुलिस आयुक्त बहुत कुछ जानता है और इसलिए उसे बचाया जा रहा है। भाजपा इस बात को भी लेकर विरोध कर रही है कि एक पुलिस अधिकारी कोलकाता में ममता बनर्जी के साथ इसलिए बैठा क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए वो धरने पर बैठे हैं। वहीं BJP की प्रवक्ताओं का ये भी कहना है कि कोलकाता का पुलिस प्रशासन और बनर्जी के सबसे चहेते पुलिस अधिकारी राजीव कुमार इकलौता अधिकारी नहीं है जो शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे हो, बाकी और भी बड़े लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। जानना ये भी जरूरी है कि सितंबर 2013 में असम के पुलिस महानिदेशक शंकर बैराव ने CBI की ओर से करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में उनके आवास पर छापा मारने के लगभग 3 महीने बाद खुद को गोली मार ली थी। बता दें कि दरअसल CBI की एक टीम कोलकाता के पुलिस राजीव कुमार से चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए रविवार को उनके आवास पर गई थी, लेकिन टीम को उनके मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और उन्हें जीप में भरकर थाने ले जाया गया। वहीं CBI की टीम को थोड़े समय के लिए हिरासत में भी रखा गया था। बस फिर क्या था, घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार की रात 8:30 बजे से धरने पर ही बैठ गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर बंगाल में तख्तापलट करने का प्रयास के आरोप भी लगाए। CBI के मुताबिक IPS अधिकारी राजीव कुमार ने चिटफंड घोटाले की जांच में पश्चिम बंगाल के विशेष जांच दल को भी बुलाया गया था और बता दें कि उनसे दस्तावेजों और फाइलों के बारे में पूछताछ करने की जरूरत जाहिर की थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में अधिकारियों के मुताबिक कोलकाता में शारदा घोटाले की जांच कर रही CBI टीम के रास्ते में मुश्किल डालने के मामले में कुछ IPS अधिकारियों को शामिल होना भी माना जा रहा है, जिसकी जांच होना लगभग तय भी है। अधिकारी को ये भी कहना है कि इस बात की जांच की जाएगी कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने से रोकने में आखिर गलती किसकी है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी क्या वजह थी कि एक पुलिस ऑफिसर को अपने ही कनपट्टी पर गोली दागनी पड़ी। क्या BJP के प्रवक्ताओं के द्वारा लगाए गए सारे आरोप सच हैं और कुणाल घोष की कही गई बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो खुलासे के बाद ही पता चलेगा। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।